नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। जीरा आलू खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और अगर यह कुरकुरा हो तो इसकी बात ही निराली है। बच्चे बूढ़े सभी बड़े पसंद से खाते हैं। इसे आप नाश्ते में खा सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने सामग्री ली है, उबले और क्यूब में कटे हुए आलू हैं 4, देसी घी 2 बड़े चम्मच, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ है, 2 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नींबू, 1 इंच अदरक है जिसे हमने बारीक काट लिया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच शक्कर है और नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जीरा आलू। एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम सबसे पहले घी डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगी है, अब इसमें हम हींग डालेंगे, हरा मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा पकाएंगे। अदरक और हरी मिर्च भी पक गई है, अब इसमें हम क्यूब में कटा हुआ आलू डालेंगे, मिलाएंगे। टॉस करते हुए इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे टॉस करते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, शक्कर, नमक और एक बार फिर से टॉस करते हुए इसे मिलाएंगे। अब इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता डालेंगे, मिक्स करेंगे। गैस को बंद करेंगे और नींबू का रस डालेंगे और अब इसे गर्मा गर्म हम प्लेटिंग करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, कुरकुरा क्रिस्पी जीरा आलू बनकर तैयार है। हम इसे धनिया पत्ता थोड़ा सजाएंगे इसे। तो हमने आपसे रेसिपी शेयर की है, आप भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हमारे आने वाले वीडियो यानी कि रेसिपी के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।